हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सागन जंक्शन से आजमगढ़ तक हो रहे दोहरीकरण का अपडेट। हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, बहुत ही जल्द कुछ ही महीनों में सागन जंक्शन से आजमगढ़ तक डबल ट्रैकों पर गाड़ियों का संचालन बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि काम जो है लगभग कम्प्लीट हो चुका है। 100 में से 80% काम हो चुका है। बहुत ही जल्द वो काम दिसंबर तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सागन जंक्शन का काफ़ी तेज़ी से दिन प्रतिदिन तस्वीर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। सागन जंक्शन पर 2 फुट ओवरब्रिज नए बनाए जाएंगे। पहला फुट ओवरब्रिज बन चुका है, लगभग वो कंप्लीट ही है, और जो दूसरा वाला नया फुट ओवरब्रिज है उस पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो पुराना वाला टिकट काउंटर है उसको अभी तोड़ा जाएगा और नए सिरे से निर्माण कार्य में विस्तार किया जाएगा। अभी हम सागन जंक्शन से खंजा हाल्ट रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुके हैं और सागन जंक्शन से आजमगढ़ तक वो भी काम बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी हम वीडियो को आपको दिखा रहे हैं। सागन जंक्शन पर 13 दिन का जैसे ही नॉन इंटरलॉकिंग के लिए कार्य किया जा रहा था, उसी बीच में काफ़ी तेज़ी से जो है नए ट्रैकों को पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया है। सागन जंक्शन पर जैसे ही वो कार्य कम्प्लीट हुआ, वैसे ही CRS का कार्य भी सागन जंक्शन से खोरासन तक कंप्लीट कर लिया गया है। अब जो है आशा पूरी तरीके से दिख रहा है कि सागन से आजमगढ़ तक दोहरीकरण का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द दोनों ट्रैकों पर कार्य जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा और जैसे ही कार्य कंप्लीट होगा वैसे ही नई नई ट्रेनों को मिलेंगी सागन जंक्शन और भी जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि जैसे कि प्लेटफार्म और ट्रैक बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रेन की संख्या भी बढ़ेगी और वैसे ही नई नई ट्रेनें मिलेंगी हर रेलवे स्टेशनों को और उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और जो लेटे हुआ करती थी ट्रेनें वो तो डबल ट्रैक पर ट्रेनों चलने से लेट नहीं होंगी। अगर आप लोग जौनपुर, सागंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस और भी अन्य पास में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनके हम सारे अपडेट हम आपको इस चैनल पर दिखाते हैं। अगर आप लोग पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां के सारे अपडेट हम आपको इस चैनल पर दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग देखिएगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इस अपडेट को लेने के लिए हम आजमगढ़ से चल कर आए हैं सागंज, और सागन से हम आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ दोहरीकरण का अपडेट। बस अब हम कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे खंजा हाल्ट रेलवे स्टेशन पर। खंजा हाल्ट रेलवे स्टेशन भी लगभग कम्प्लीट ही है। उस पर तरह तरह की जो है पेंटिंग कर दिया गया है, इसके साथ ही नए नए शौचालय और शेड बना दिए गए हैं नए नए। काफ़ी सुंदर लग रहा है खंजा हाल्ट रेलवे स्टेशन। और अभी हम पहुँचेंगे तो आपको कुछ व्यू दिखाएँगे। वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, वीडियो आप लोग पूरा देखिए।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खंजा हाल्ट रेलवे स्टेशन पर, और खंजा हाल्ट रेलवे स्टेशन का तस्वीर भी बदल चुका है। यहाँ पर नया बोर्ड लगा दिया गया है और छोटे छोटे सेट बना दिए गए हैं, और ये किनारे किनारे जो है पेंटिंग किया गया है रेड और वाइट रंग से, ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। और स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी गई हैं, इसके साथ ही छोटे छोटे शौचालय भी बनाए गए हैं, टॉयलेट प्रसाधन भी अवेलेबल हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम खंजा हाल्ट रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन की तरफ। अब हम आपको दिखाएंगे दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन का व्यू, और जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल नए ट्रैक पर चल रही है। सागंज से खोरासन तक CRS का कार जैसे ही कंप्लीट हुआ, वैसे ही सागंज से खोरासन तक डबल ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया गया है गाड़ियों का। और अब तो लेट नहीं होता है ट्रेन, फ़िलहाल जब पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो लेट लतीफ़ी से राहत मिलेगी यात्रियों को। बस अभी हम कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन पर। दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 का प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ा दी गई है, और नए ट्रैक पर वहां पर भी गाड़ियों का संचालन स्टार्ट है। और अभी हम चल करके आपको दिखाएंगे वहां पर हर चीज़ों की सुविधा हो चुकी है। ये जो मशीन दिख रही होगी आपको, इस मशीन के द्वारा जो है जो ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक के किनारे किनारे इसके माध्यम से जो गिट्टके हैं उनको किनारे किनारे फैलाई जाती हैं इस मशीन के द्वारा। और फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन पर, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन का व्यू। पूरी तरीके से ये लगभग कम्प्लीट ही है दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम निकलेंगे दीदारगंज से खोरासन रोड रेलवे स्टेशन की तरफ, और दीदारगंज रोड रेलवे स्टेशन पर अनेकों प्रकार के यहां पर मशीनें रखी हुई हैं, तो जितने भी सारे यूज हुई थी वो सारे मशीनें यहां पर रखी गई हैं। दीदारगंज से अभी हम खोरासन रोड रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुके हैं। खोरासन रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर नए टिन शेडों का निर्माण कार्य एवं विस्तार काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे खोरासन रोड रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य। प्लेटफार्म संख्या 1 पर
अभी शेड का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम आपको दिखा रहे हैं खोरासन रोड रेलवे स्टेशन। खोरासन रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर नए टिन शेडों का निर्माण कार्य एवं विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही किनारे से दीवारों को भी उठाने का भी काम जो है अभी चल रहा है प्लेटफॉर्म संख्या एक पर। तो काफ़ी तेज़ी से प्लेटफॉर्म संख्या एक पर नए शेड के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जैसे ही ये कार्य कम्प्लीट होगा वैसे ही टिन शेडों के ऊपर करकटों की छवाई का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। अब हम खोरासन रोड रेलवे स्टेशन से सरायमी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल रहे हैं। तो सागन से हमने आपको दिखाया खोरासन तक डबल ट्रैक पर चल रहा था नई वाली ट्रैक पर, अब जो है यहाँ से पुराने वाले ट्रैक पर चलेगा। और अभी हम आपको दिखाएंगे आगे चल करके सरायमी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य, और खोरासन से सरायमीर का जो दोहरीकरण का कार्य है वो भी लगभग कम्प्लीट ही है। आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खोरासन से निकल चुके हैं सरायमी रेलवे स्टेशन की तरफ।
फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सरायमी रेलवे स्टेशन पर, और सरायमी रेलवे स्टेशन पर ये वाला बगल से जो किनारे वाला ट्रैक है उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है, उसको भी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। सरायमी रेलवे स्टेशन का अभी हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। सरायमी रेलवे स्टेशन पर भी टॉयलेट प्रसाधन, छोटे छोटे शेड इसके लिए बैठने के लिए स्थान और दो नए बोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही अब हम सरायमीर से संजरपुर रेलवे स्टेशन की तरफ निकलेंगे, और सरायमीर से संजरपुर का कार्य वो भी कंप्लीट ही है और दिखा रहे हैं हम आपको आगे चल करके। अभी ये जो हम आपको ट्रैक दिखा रहे हैं, इन ट्रैकों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, इनको बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा पूरी तरीके से। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम सरायमीर से संजरपुर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी हम आगे चल करके आपको दिखाएंगे संजरपुर रेलवे स्टेशन। तो सरायमीर से संजरपुर तक का ट्रैक कंप्लीट है पूरी तरीके से, और जो खोरासन से सरायमीर का काम है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं आगे चल करके संजरपुर रेलवे स्टेशन। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं संजरपुर रेलवे स्टेशन पर, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं संजरपुर रेलवे स्टेशन। संजरपुर रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट प्रसाधन, छोटे छोटे शेड, बैठने के लिए भी स्थान तो उस पर बना दिया गया है, जो शेड बनाया गया था तो टॉयलेट प्रसाधन भी बनाया गया है। और अभी हम संजरपुर रेलवे स्टेशन से फरिहां रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और फरिहां रेलवे स्टेशन पर ऑलरेडी पहले से कम्प्लीट है काम, और अभी हम बढ़ते हैं कुछ दूरी तक, हम आपको दिखाते हैं फरिहां रेलवे स्टेशन तक का। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
तो हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रेलवे स्टेशनों का अपडेट हम आपको इस चैनल पर दिखाते रहते हैं और काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।